हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रिंकी की रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल चिकन बिरयानी। इसे देखने के लिए अंत तक बने रहें। बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बासमती चावल ले लिया है, कटे हुए आलू ले लिया है और कटी हुई प्याज, धनिया और हरी मिर्च और 1 किलो चिकन ले लिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया है बिरयानी मसाला, मीठा अतर, गरम मसाला, पीला फूड कलर, काजू, अदरक, घी, लहसुन और दही। यहाँ पे मैंने चावल पकाने के लिए हांडी में पानी को गर्म कर लिया। इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले, तेज पत्ता, यहाँ पे मैंने रिफाइंड तेल 1 चम्मच डाल दिया है। मैंने यहाँ पे चावल को आधे घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। अब मैं पानी को छान के हांडी के उबलते हुए पानी में डाल दूंगी। अब मैं चावल को अच्छी तरह से मिला के पकने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पे मैं अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, काली मिर्च, जीरा, गरम मसाला मिक्सी में डाल के एक पेस्ट बना लूंगी। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे दही, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, डालकर अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं मिक्सी में पीसे हुए पेस्ट को डाल के अच्छे से मिला लूंगी। अब मैं प्रेशर कुकर में कटे हुए आलू को डाल के उबलने के लिए रख दूंगी। अब इसमें 1 चुटकी फूड कलर, 1 चम्मच नमक डाल के उबलने के लिए छोड़ दूंगी। मेरा चावल पक चुका है। अब मैं इसके पानी को छान लूंगी एक छन्नी में। अब मेरा चावल पकने के बाद कितना खिला खिला दिख रहा है। अब मेरा आलू भी उबल चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकालेंगे। एक कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के उसे गरम कर लिया है। अब मैं उबले हुए आलू के टुकड़े डाल के अच्छे से भून लूंगी। मैं आलू को अच्छे से चला के भून लूंगी। अब मेरा आलू भून चुका है। इसे एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। उसी बचे हुए तेल में मैं कटे हुए प्याज डाल के अच्छे से भून लूंगी। मैं इसे तब तक भूनती रहूंगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब मेरा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी।
कढ़ाई के बचे हुए तेल में मैं थोड़ा सा और तेल डाल के मैरिनेट किए हुए चिकन को डाल के अच्छे से पका लूँगी। अब मैं चिकन को अच्छी तरह से भूनूंगी जब तक ये तेल ना छोड़ दे। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी, फिर उसे मिक्स कर लूंगी अच्छे से। मैं इसे तब तक चलाऊंगी जब तक चिकन की ग्रेवी अच्छे से सूख ना जाए। अब मेरा चिकन पूरी तरह से पक गया है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने एक बड़ी हांडी ले ली है, अब इसमें मैं एक एक करके सारे चिकन डाल दूंगी। फिर मैं उसमें भुने हुए आलू को भी डाल दूंगी। इसके बाद मैं पके हुए चावल को भी इसके ऊपर डाल दूंगी। अब मैं चावल को अच्छी तरह से हाथ से फैला लूँगी। अब मैं इसमें प्याज के बरिस्ता को डाल दूँगी, उसे भी फैला लूँगी। मैंने यहाँ पे काजू को पीस के उसमें पानी मिला के एक पेस्ट बना लिया, इसे ऊपर से छिड़क देंगे। फिर मैं इसमें बिरयानी मसाले को अच्छे से फैला दूंगी। उसके बाद उसमें घी भी डाल दूंगी। बिरयानी के खुशबू के लिए मैं ऊपर से थोड़ा मीठा अतर डाल दूंगी। मैंने एक कटोरी में फूड कलर और पानी मिला के घोल बना लिया है, इसे ऊपर से छिड़क दूंगी। मैंने एक गमले में पानी को गर्म कर लिया है, अब मैं इसके ऊपर हांडी को रख के अच्छी तरह से ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। आधे घंटे बाद मेरी बिरयानी पक के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे सैलेड के साथ सर्व कर लूंगी। अगर आपको मेरी ये चिकन बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे की लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।